हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल की हलचल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग खेलने वाले हैं GTA 5। आपको तो पता ही है, नए नए गेम हम लोग ट्राई कर रहे थे, जैसे कि सिटी स्काईलाइंस और गेटिंग ओवर इट, माइनक्राफ्ट। हम लोग इन सारी वीडियोस में बिजी थे। जो मैंने नए गेम्स किए हैं, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं उनको सीख लूं अच्छे से, बाद में हम लोग GTA 5 की वीडियोस बनाएंगे। सिटी स्काईलाइंस खतरनाक एपिसोड निकाल दिए हैं, 6 के 6 निकाल दिए हैं, पता नहीं 5 निकाल दिए हैं, जाके देखो बहुत मजा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास पुरानी कार्स पड़ी हुई हैं। पुरानी कार्स मतलब कि बहुत पीछे चले जाओ, बाबा आजम के जमाने में चले जाओ, वहां की कार, जहाँ पे भाई साहब आप लोग देखते हो अंग्रेज वगैरह अब भी ये कार्स यूज करते हैं, जो हो गए किंग वगैरह हो गए। किंग ज्यादातर आप लोग देख सकते हो गाड़ियां, यूनिक गाड़ियां यूज करते हैं। तो ये है गाड़ी, एक किंग की गाड़ी, एक गाड़ी है देख लो, जहाँ पे अपने जो प्रधानमंत्री जैसे हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, कोई मंत्री हो गए, वो ज्यादातर ऐसी गाड़ियों में निकलते हैं, जैसे कि ये जो येलो वाली गाड़ी है अपनी, जो ये येलो वाली गाड़ी है, इसमें प्रधानमंत्री वगैरह निकलते हैं। ये येलो कलर की इस टाइम करवाई है, इसमें व्हाइट कलर होता है ज्यादातर लोगों ने आप देखा होगा। और ये है किंग की गाड़ी, जहाँ पे बड़े बड़े भाई, अमीर अमीर लोग इसमें बैठ के मजे लेते हैं और अपना सफर करते हैं। और इस गाड़ी का नेम है टोर्नाडो, टोर्नाडो गेम में इसका नेम है। और इस गाड़ी का नेम है, आप लोग देख सकते हो, रोजवेल्ट वेलर। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से नेम आ गया है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। और राइट गाइज, आज हम लोग इन्हीं गाड़ियों में से, आप सोच रहे होगे कि भाई इन गाड़ियों को लेकर आया तो काम क्या है इसका, इन गाड़ियों को आज हम लोग करने वाले हैं ऑफ रोडिंग। तो देखते हैं अपना जो अंग्रेजों की गाड़ी ज़्यादा जल्दी जीतती है, कि अपने मंत्रियों की गाड़ी जो इंडिया में यूज़ होती है गाड़ी वो जीतती है, कि फॉरेन की कार जीतती है। तो आज हम लोग ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। ऑफ रोडिंग का ट्रैक अगर मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे खतरनाक तरीके से इधर से जाएंगे, फिर हमको चढ़ना है ऊपर पहाड़ों के ऊपर। जो गाड़ी खतरनाक तरीके से पहाड़ों के ऊपर क्लाइंब कर जाएगी, वो गाड़ी मान लेंगे हम लोग कि इस गाड़ी में खाली मजे नहीं, इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं अपनी किंग फॉरेन कार के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या खतरनाक कार है भाई का। ये देखो भाई, क्या बढ़िया कार लग रही है, इसका स्ट्रक्चर देखो भाई, ये कार का स्ट्रक्चर देखने में कितना मजा आ रहा है ना भाई, वाओ। और इसके अंदर का आपको माहौल दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई, वाओ, इसके अंदर तो भाई अलग ही सीन के मजे हैं भाई, क्या तरीके से काम हुआ है। पर ये ओल्ड वर्जन की गाड़ी है, पर तब भी बहुत सफाई है अंदर भाई। और आगे देखो, वो पता नहीं साइलेंसर लगे हुए हैं हुड के ऊपर, शायद साइलेंसर लगे तभी वो हिल रहे हैं, ये देखो, वाओ। तो हम लोग सबसे पहले इसके साथ ही ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, तो सबसे पहले इस गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। वाओ, अरे रे रे भाई, इस गाड़ी की स्पीड सच में बहुत खतरनाक पिकअप है भाई। और ये देखते हैं ये ऑफ रोडिंग कर पाती है, इसका ग्राउंड क्लियरनेस कितना है। और रे भाई, ग्राउंड क्लियरनेस तो अच्छा खासा है, मेरे हिसाब से ये पार होनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। तो फिर भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं इस गाड़ी को। ऑलराइट गाइस, तो मैं गलत चला गया था, आगे चला गया था, ये है ट्रैक। तो हम लोग थोड़ा सा भाई अब ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, तो ऑफ रोडिंग के तरीके से ऑफ रोडिंग की जाए ना, मजा तो तब आएगा। और ये है छोटा सा पुल, और इस ये गाड़ी इस पुल के अंदर आएगी फिर पता नहीं, आ जाएगी मुझे तो लगता है, आ जाएगी, आ गई भाई, वाओ। तो इस ये पुल टूट ना जाए भाई, इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरनेस अच्छा है, वरना ये पुल के ऊपर फंस जाती, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और हट जाओ भाई, ये देखो अब इनको हॉर्न बजाऊंगा, ये साले तब भी नहीं हटते। और ये पुल टूट ना जाए, मुझे तो ये डर लग रहा है, हट जाओ भाई। देखो भाई, हॉर्न बजा रहा हूं, कुछ लेना देना ही नहीं, अपनी फोटो शूट पे लगे पड़े हैं भाई। ओ चूतिया, हट जाओ भाई, वरना ठुक जाओगे, गुस्सा आ रहा है मुझे। मुझे लगता है ये इनको अलग ही तरीके से हटाना पड़ेगा, उतर के हटा नहीं सकता, गाड़ी से ठोक दूंगा, हट जा। ये लो साले, अपनी औकात में नहीं रहते ना, इनको कह रहा हूँ हट जाओ, आराम से नहीं हटना है। और ये देखो भाई, ये अब ऑफ रोडिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है। ऑल राइट गाइज, इधर से अब हम लोग जाने वाले हैं सीधा ऊपर, यहाँ से हमारी ऑफ रोडिंग खतरनाक स्टार्ट होने वाली है, सीधा हम लोग पहाड़ों के ऊपर से जाएंगे। और राइट गाइज, आप लोग देख सकते हो, और इधर से हम लोग क्लाइंब करने वाले हैं, देखते हैं अब ये गाड़ी अपनी क्लाइंब करती है यहाँ से कि नहीं। वाओ भाई, सच में बहुत ताकत है। ओ, इसके अंदर से गाड़ी चला के देखो तो क्या मजा आएगा भाई। इससे मुझे समझ तो आ रहा है थोड़ा बहुत, पर ज्यादा समझ नहीं आ रहा। ओके, आराम से बस भाई, ज्यादा समझ नहीं आ रहा, तो आराम से मैं अपने इसी वाले मोड पे चलाऊंगा। ओ भाई, हम लोग कितनी ऊपर आ गए हैं भाई। ये जो किंग्स की गाड़ी होती है ना, ये इसमें भाई इतने साइलेंसर लगे हुए हैं आगे, मेरे हिसाब से इसमें इंजन कितने भरे होंगे, और पिछला जो टायर है वो कितना भारी होगा भाई,
कितनी पावर है भाई इस कार में, कितने आराम से आ गई। वाओ कोई चिंता नहीं भाई, पर थोड़ा सा आराम से भी चलना है भाई। ये कार अगर नीचे नीचे हो गई तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव कार है। अगर थोड़ी सी खराब हुई तो हम लोगों को बैनी को अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब भी ऑफ रोडिंग करने आते हैं तो बैनी से गाड़ी लेकर आते हैं। नई नई गाड़ियां उसकी गैराज में हर जगह हर दिन खड़ी होती हैं, क्योंकि उसका गैराज अपनी सिटी में सबसे मशहूर गैराज है। तो तभी ज़्यादातर गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े अमीरों की गाड़ियाँ वहाँ पे सही होने आती हैं, और हम लोग टेस्टिंग करते हैं इन गाड़ियों की तो हम लोग भाई पैसे भी देते हैं, फ्री के नहीं भाई, फ्री से नहीं। और हम लोग अब क्लाइम करने वाले हैं, यहाँ तक आ गए भाई, पीछे आप लोग देख सकते हो क्या खतरनाक भाई। अब हम लोग क्लाइम करने वाले हैं इसके ऊपर, वाओ देखते हैं क्लाइम भाई। ओ भाई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई भाई, निकल जा निकल जा, एक्सीलेटर नहीं, एक्सीलेटर छोड़ना नहीं है। ओ भाई साहब, मैं तो सबसे टॉप पे जाने वाला हूँ अब। मुझे नहीं लगता इंडिया की वो जीतने वाली है व्हाइट वाली, मुझे नहीं लगता यार, क्योंकि इसमें पावर कितनी है। इसके साइलेंसर देख रहे हो भाई, ओ ओ ओ फंसी 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 फंसी। ओ भाई यहाँ पे टॉप पे पहुंचना है मुझे। ओ पहुंच गई 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 पहुंच गई। ओ भाई एक थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा, बस 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 बस। वाओ भाई सच में बिलीव नहीं हो रहा भाई, बिलीव नहीं हो रहा, इतनी तगड़ी कार भाई। इसकी लंबाई देख रहे हो, लेंथ देख रहे हो, वाइड देख रहे हो, कितने टायर इस गाड़ी में भरे पड़े हैं। पीछे टायर लगा हुआ है, आगे टायर लगे हैं, उधर टायर लगे हुए हैं, मुझे लगता है 6-7 टायर तो इस गाड़ी में लदे पड़े हैं, और आगे साइलेंसर 4 लगे पड़े हैं। और इतनी गाड़ी में पावर कितनी है भाई, मैं सोचा नहीं था। मैंने यहाँ पे नहीं रखा था एंडिंग पॉइंट, मैंने तो पीछे रखा था, और बाद में मेरा बना कि चलो ऊपर चढ़ाते हैं, और ये आराम से आ भी गई। तगड़ी कार है भाई, तगड़ी कार। तो हम लोग इस कार को यहीं पे खड़ा कर देते हैं यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे खड़ा करेंगे तो पता तो चलेगा कि वो दूसरी कार भी यहाँ पे आएगी, पता नहीं अब आएगी कि नहीं। ऑल राइट गाइज, हम लोग आ गए हैं इस वाली कार में। ऑल राइट गाइज, क्या भाई ये भी कार बहुत लंबी है मेरे हिसाब से। ये कार कौन चलाता है, कुछ याद आ रहा है भाई? हीरो वगैरह पिक्चरों में इस कार का ज्यादा यूज हुआ है मेरे हिसाब से। मंत्री वगैरह तो चलो चलाते चलाते हैं, पर ये पिक्चरों में इस कार का यूज ज्यादा हुआ है, क्योंकि ये लंबी कार भी है, अलग ही है। ओ ब्रो आराम से, ठोक मत देना, निकल जाओ। ओके भाई इस कार में भी मुझे लगता है ताकत है, पिकअप भले इतनी नहीं है पर मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके मैं चढ़ाऊं तो चढ़ जाएगी। ओ हो भाई ये कार भी बहुत लंबी है, इसके पीछे भी ये देखो पता नहीं क्या लंबे लंबे जोड़े हुए हैं भाई। इसके आगे देखो ये क्या ली चीज है, ये साइलेंसर है? साइलेंसर तो पीछे लगे होते हैं। नहीं भाई पीछे कोई साइलेंसर लगा नहीं है, यही साइलेंसर है लग रहा है मुझे। नहीं भाई इसके आगे दो नीचे साइलेंसर लगे हुए हैं, मुझे लगता है पुरानी गाड़ियों में आगे साइलेंसर होते हैं भाई, पता नहीं था मुझे। ओ भाई फिर से वही सीन आ गया, और ये गाड़ी भी चौड़ी है, वाइड है, तो मुझे लगता है इसके अंदर आ जाएगी, आ जाएगी, आ गई। ऑलराइट गाइस इसके अंदर गाड़ी आ गई। अब भाई ये फिर से आगे, अगर इस बार मैंने हॉर्न बजाया ये हटे नहीं तो इनका भी वही हाल होगा जो उनका हुआ था। अरे अरे भाई मैंने देखो, मैंने सबसे पहले इन 2-3 मिनट हॉर्न बजाया। अब हॉर्न से तुम नहीं हटोगे तो अब क्या करना पड़ेगा, सीधा हटाना पड़ेगा तुम्हें। और अब आराम से हट गए, देखो 2 मिनट लगे हटने में, बस पिछला गेट डाला रिवर्स और फिर सीधा अगला। देखो भाई ताकत देख रहे हो गाड़ी की तुम। और अब हम लोग आ गए हैं वहीं पे जहाँ पे हम लोग टॉप पे जाने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पे ये गाड़ी टॉप पे पहुँचने वाली है कि नहीं अब मुझे नहीं पता, अब हम लोग खुद ही देख लेते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ यस यस यस, ओके 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 ओके। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट गाइस, जा रही है 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 भाई, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही इसे भी। इसका ग्राउंड क्लियरनेस तो उससे तो कम है यार। नहीं, उसके बराबर है। ओ ऑलराइट गाइस, इसके साइलेंसर पता है कहां पे लगे हैं? ये देखो नीचे से आ रहे हैं, नीचे से ऐसे करके, नीचे से ऐसे करके दो दो साइलेंसर लगे पड़े हैं। मैं अगले वाले सोच के बैठा था, पर इसका ग्राउंड क्लियरनेस तो उसके बराबर ही है भाई साहब।
पर ताकत देखो भाई, गाड़ी हार नहीं मान रही। होए वाह भाई साहब, मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है ये निकल जाएगी। जिस हिसाब से ये काम कर रही है ना, जहां जहां पे मैंने एंडिंग पॉइंट रखा था उससे आगे जा रही है गाड़ी यहाँ। ऑलराइट गाइस, ये आ गए हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग जाने वाले हैं सबसे टॉप पे। और ओ ओ ओ, ये देखो भाई, थोड़ा बहुत मेरा ध्यान हटता है ना तो ये गाड़ी सीधा भी नीचे जाती। ऑलराइट गाइस, फिर से हम लोग भगाने वाले हैं। और यहाँ से भाई, तुम यहाँ से देखो, अगर वो किंग कार यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ गई, इतना फ्लैट रास्ता था भाई, इतना ऊपर और इतने आराम से चढ़ गई। अब ये देखते हैं, अगर ये ना चढ़ी तो मजा आ जाए आएगा नहीं भाई। चढ़ जा, ओ चढ़ गई 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 चढ़ जा, लगा जोर लगा जोर लगा जोर लगा। ओ भैंस की टांग, तो भाई साहब यही ऑफ रोडिंग कर पा रही है अच्छे से, तो हम लोग ऑफ रोडिंग ट्रक वगैरह लेकर क्यों आते हैं फिर? ये क्या सीन है भाई, इतने आराम से भाई चढ़ रही है ये गाड़ियां। तो हम वो देखो गाड़ी खड़ी, वो दिख रही है किंग किंग किंग, वो देखो सबसे ऊपर दिख रही है। अब वहां पे जाने वाला हूं इस गाड़ी को लेकर। ये गाड़ी वहां पे पहुंचेगी, इतिहास 7 करोड़। ऑलराइट गाइस, और गाइस, और गाइस, और ऑलराइट गाइस, ऑलराइट गाइस, ऑलराइट गाइस, ऑलराइट गाइस, ऑलराइट गाइस, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। ओ बस की टांग पीछे गई। अरे भाई एक्सीलेटर क्यों छोड़ दिया, अरे यार एक्सीलेटर छोड़ दिया, गलत कर दिया मैंने भाई। अगर पीछे गया तो बहुत बुरा ठुकूंगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ए 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 ए, नहीं 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 भाई, फिर से मोड़ना पड़ेगा गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी का मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया तभी गाड़ी रिवर्स आ गई। तो हम लोग फिर से इसको ट्राई करने वाले हैं, निकल जाएगी यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई भाई, फंसी 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 भाई, ये मत कर, ये मत कर मत कर मत कर, हमको जीतना है भाई। फिर से जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कहाँ। ओ चढ़ गई चढ़ गई, अब एक्सीलेटर नहीं छोड़ूंगा। ओ वाव, ए ए ए ए ए, वो गाड़ी साली पीछे पीछे को खड़ी हुई है, तभी ये गाड़ी को खड़ी होने की जगह नहीं मिल रही। इसका मतलब समझ रहे हो, ये गाड़ी ऊपर चढ़ गई है, ये गाड़ी ऊपर चढ़ गई है। फिर अब इसको दूसरे रास्ते से लेके जाते हैं, क्योंकि वो पीछे रास्ता दे नहीं रही है खड़ी होने के लिए, क्योंकि वो गाड़ी साली मैंने ज्यादा ही पीछे खड़ी कर दी। अब यहां से ट्राई करने वाले हैं, फंसी है भाई। अरे यार फिर से फिर से फिर से, ये क्या हो रहा है भाई, मैं अगला गियर डाल रहा हूं, ये साली जा क्यों नहीं रही। हो लग गए भाई, हो गया काम, हो गया हमारा, हमारी गाड़ी अब खाई में जाने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग वहां कहां यार, इतनी एक्सपेंसिव कार बैनी को कहूंगा तो कहूंगा क्या भाई। भाई फिर से एक बार बैक करता हूँ, शायद शायद यहाँ से जोर लग जाए भाई, लगा दे, अगर जोर लगा दिया तो पार्टी होगी। नहीं भाई यहाँ पे बहुत रफ है यार, यहाँ पे इतनी मिट्टी इतनी, नहीं भाई ये गाड़ी कुछ नहीं कर पी। ए ठुक गई, ये गई, पिछला वाला बोनट चला ना गया हो ना भाई, नहीं भाई। ऑलराइट गाइज, इस गाड़ी को हम लोग यहीं पे रखते हैं, अगर हम लोग इस गाड़ी को फिर से जोर लगवाएंगे तो ये गाड़ी सीधा पानी में चली जाएगी, खाई में चली जाएगी। तो इस गाड़ी को अभी हम लोग वो क्रेन वगैरह लेकर इसको बाहर निकालेंगे और बैनी को पकड़ा देंगे, और बैनी को कहेंगे भाई ये गाड़ी ऑफ रोडिंग करती है, ये गाड़ी ऑफ रोडिंग करती है भाई, कैसे कैसे मुमकिन है ये। और वो वाली गाड़ी और ये गाड़ी भाई किंग, इसमें देख रहे हो कितना कुछ लगा हुआ है, और ये इतनी ऊपर आ गई है, और वो भी ऑफ रोडिंग करते हुए इतना ऊपर क्लाइम किया इस गाड़ी ने। और भाई इसमें टायर कितने लगे, मैं टायर गिनने वाला हूँ, 1 2 3 3 और ये 4 4 तो नीचे हो गए, 3 ऊपर लगे हैं, 4 3 7 7 7 टायर्स लगे हुए हैं इस गाड़ी में, और इतना भार लादने के बाद भी ये गाड़ी ऊपर चढ़ गई। ओ भाई साहब 7, मैं कह रहा था 4 साइलेंसर लगे हैं इसमें, कितने साइलेंसर लगे हैं, 1 2 3 4 4 4 8 साइलेंसर लगे हैं भाई, भैंस की टांग 8 साइलेंसर हैं कि 8 सिलेंडर गाड़ी है पता नहीं भाई, इतनी ताकत इसमें कैसे आ गई। ऑलराइट गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताना ये गाड़ियां आपने चलाई हैं, इस गाड़ी में बैठे हो कि नहीं बैठे हो, और नहीं बैठे हो तो नहीं बैठे हो तो बैठो मजे करो, क्या करना है। चलो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लगा वीडियो अच्छी लगी हो तो। हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।